कहते हैं कि पगड़ी सिख की पहचान होती है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी इसको भूलकर पतित पुण्य का शिकार हो रही है। इसी विरसे को संभालने के लिए माता कान कौर ट्रस्ट की ओर से मोगा के एक गुरुद्वारे में सुंदर दस्तार मुकाबले करवाए गए। जिला मोगा के गुरुद्वारा बीबी कानकौर ट्रस्ट की ओर से छठी क्लास से लेकर बारहवीं क्लास के विद्यार्थियों के दस्तार मुकाबलों का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 350 के ऊपर विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस मुकाबले को दो भागों में बांट लिया गया। इसका आयोजन किया, पहला मुकाबला छठी क्लास से लेकर नौवीं क्लास के बच्चों का था, जबकि दूसरा मुकाबला बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों का था। इस मौके पंजाब के पूर्व हेल्थ कारपोरेशन विभाग के चेयरमैन बरजिंदर सिंह बरार मुख्य मेहमान के तौर पर हाजिर हुए। अज ट्रस्ट गुरुद्वारा बीबी कान कौर वालों दो ग्रुपां दे विच बच्चियां दे दस्तार मुकाबले कराए जा रहे हैं। पहला ग्रुप 6वीं तो 8वीं का, दूजा 9वीं तो 12वीं का, जिदे च स्कूलां दे जिहड़े मोगा शहर दे स्कूल आ उहनां दे सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्कूलां ने बहुत वधिया उत्साह दिखाया। तकरीबन सारे स्कूलों के विचों लिखती तौर पर बच्चों दीआं लिस्टां साडे कोल आईआं सी, जिहड़े बच्चे अज दस्तारां सजा रहे हैं। जिथों तक दस्तार मुकाबले कराउण दा मनोरथ है कि जिहड़ी दस्तार है ये हर सिख का मुढ़ला शिंगार है, तो अज के समय के दस्तारधारी जिहड़े सिख है वह विदेशों के विच देशों विदेशों हर एक फील्ड के हर पासे जिहड़ी दस्तार है धूमा पा रही है। कहना चाहते हैं कि अज साडा दस्तार मुकाबला सी, तो असीं बहुत कोशिश की, तो इस नाल इस दस्तार मुकाबले करवाउण नाल दस्तारां जिहड़ियां लोकां दीआं बचदीआं ने, जिहदे नाल सानूं सिक्खी नाल होर जोड़न दी गां वधू चीज मिलदी है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋ 5100 ਰੁਪਏ, दूसरे नंबर रहने वाले को 3100 रुपए और तीसरे नंबर रहने वाले को 2100 रुपए इनाम में दिए गए। न्यूज़ डेस्क से कुलदीप कालू और मोगा से हरपाल सिंह, जीवे पंजाब के लिए।